नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी। और हरपाल, जिससे हम चर्चा करेंगे धोनी बनाम विराट, जो मुकाबला हुआ उसमें विराट कोहली की जीत हुई, लेकिन मैच रोमांचक रहा। हरपाल जी, किस तरह से इस मुकाबले को देखते हैं? आखिर में एक गेंद पर दो रन और जिस धमाकेदार अंदाज में धोनी खेल रहे थे, जीत उन्हीं की होनी चाहिए थी। नहीं, अब ये होनी चाहिए नहीं, मगर जिस तरीके से उन्होंने खेला, मैं उनको कहता हूँ उनको सलाम देना चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से सीजन में खेला, अपना विकेट के पीछे परफॉर्मेंस दी, प्लेयरों को संभाले रखा अपने प्लेयरों को, और जैसे बैटिंग की लेड फ्रॉम द फ्रंट, तो उनको तो उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये लाइफ लाइन थी आरसीबी के लिए, बड़ी स्ट्रगलिंग टीम है धोनी। हालांकि देखा जाए तो इस बार आईपीएल में कोई कोहली को ज़्यादा कमाल नहीं रहा, एक सेंचुरी जो बनाई, ओवरऑल स्ट्रगल करते रहे। डिविलियर्स के साथ था पूरी टीम, दो प्लेयरों पर डिपेंड कर रही, जैसे हम बात कर रहे थे दो प्लेयरों से या तीन प्लेयरों से काम तो चल रही। बॉलिंग उनकी बड़ी कमज़ोर निकली, कहीं भी अगर जीत भी गई है कल, मगर देखिए एक ओवर में 24 रन पड़ गए थे ना, तो उनकी बॉलिंग उनको कभी कॉन्फिडेंस देती है। और सारा मैच देखिए, जब भी उन्होंने 200 रन बनाए, दूसरी टीम ने 200 चेज कर लिए। कई बार आप 180-190 के ऊपर जाते हैं, कहते हैं मैच आपके हाथ में, मगर उनका 205-207 बनने के बाद भी वो मैच नहीं डिफेंड करते। तो मेरा जानता है कई कारण, उनकी कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही गड़बड़ थी, कैसे उन्होंने सेलेक्ट की, कोहली भी थे जब सेलेक्शन। लेकिन धोनी जैसा खिलाड़ी आता है तो ऐसे ही लगता है कि उनकी ताकत आधी हो जाती है, और धोनी जिस तरह से खेल रहे हैं, एक युवा खिलाड़ी भी शर्मा जाए। नहीं, शर्मा जाए और एक दूसरे को आप कॉन्फिडेंस देते कि हमारे साथ इतना प्लेयर है। जिस तरीके की कल की उनकी बैटिंग नहीं है, उससे पहले जो प्रभावशाली बैटिंग थी, मेरा ख्याल है यही अगर ये बैटिंग ये आप वर्ल्ड कप में दिखाएं, जो कि उनके फैंस और जिनके फैंस के बिल्कुल उम्मीद कर रहे होंगे कि वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही देखने को मिले। लेकिन जिस तरह से मैच जीतने के बाद कोहली सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने जीत लिया। करुण, ऐसा है कि लाइफ लाइन मिल गई, कल अगर मैच हार गए होते तो आउट हो जाते, पहली टीम हो जाती आउट है। अब थिन वो कहते हैं थोड़े से पतले से धागे से लटके हुए हैं, मगर लटके तो हैं, अगर कल हार जाते तो वो बाहर निकलते। और ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जरूर है कि 7 साल से हम हार रहे हैं इस टीम से, जब से उन्होंने कप्तानी की है कोई आईपीएल जीता नहीं, कई लीड पे नहीं पहुंचे, कुछ बड़ा टूर्नामेंट भी नहीं जीता, चैंपियंस ट्रॉफी भी हार गए हैं। हालांकि कोई कंपेरिजन नहीं है, कोई ना कहीं आपको होता है जी, कम से कम कुछ मैच यहाँ पर जीते नजर आए। और विराट कोहली जो टीम इंडिया के कप्तान हैं, अगर वो लगातार हारते रहेंगे तो फैंस को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आगे भी कुछ उनसे जीत की उम्मीद फैंस कर रहे हैं। लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए एनएन स्पोर्ट्स।